नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लो सबसे पहले आपने देखना होता है x किसको लेंगे, माँ की आयु को या शोभो की आयु को। तो देखो माँ की आयु कितनी है, शोभो की आयु की 6 गुनी। इसका मतलब पहले शोभो की आयु पता होगी, उसको 6 से गुना करेंगे तो माँ की आयु आएगी। इसका मतलब हम शोभो की आयु को मानेंगे x, शोभो की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और इसके साथ एक शब्द ऐड कर लीजिए, वर्तमान आयु। वर्तमान यानी आज की आयु। इसी प्रकार से मां की वर्तमान आयु कितनी है, शोभो की आयु की 6 गुनी है। x का 6 गुना होगा 6x, ये मां की आयु आ गई। प्रश्न के हिसाब से 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, शोभो की आयु आज है x, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x में 5 प्लस कर दो। उसकी मां की वर्तमान आयु, उसकी मां की वर्तमान आयु है 6x, इसका 1/3 हो जाएगा। इसका 1/3 शोभो की 5 साल की उम्र के बराबर होगा। दोबारा बता रहा हूं, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, शोभो की आयु आज है x, 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस 5। उसकी मां की वर्तमान आयु, तो उसकी मां की आयु में 5 साल नहीं प्लस किए, मां की आज की जो आयु है उसका 1/3 हो जाएगी। यानी आज एक उम्र है 6x, तो इसका 1/3 यानी 1/3। इसे हम हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए, ये 3 है, 3 से 6 कट जाएगा, 3 × 6, ठीक है जी। तो अभी आ गया x प्लस 5 बराबर, ये 3 कट गया, ये आ गया 2x गुना 1, 2x। अगले स्टेप में x, 2x इधर प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस, 5 इधर प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x गया 1x, साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस बराबर -5। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, x आ गया 5, ये x की वैल्यू आई है अभी। यहां कई बच्चे अपना प्रश्न छोड़ जाते हैं, उत्तर छोड़ जाते हैं, लेकिन हमें x थोड़ी निकालना है, हमें बोला गया उनकी आयु निकालो। उनकी मतलब शोभो की भी और उसकी मां की भी, ठीक है। हम यहां लिखते हैं शोभो की वर्तमान आयु। अब देखिए शोभो की वर्तमान आयु कितनी थी, x वर्ष थी, x वर्ष, और x कितना आया है 5। तो यानी कि शोभो की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष आ गई। इस तरह से मां की वर्तमान आयु देखिए कितनी है, मां की वर्तमान आयु हमने ली थी 6x वर्ष, कितनी है 6x वर्ष। तो 6x वर्ष, 6x का मतलब है 6 गुना x, x कितना आया 5, तो 6 गुना 5 वर्ष, तो 6 × 5 कितना होता है 30 वर्ष, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देखा, हमें बताया गया था, हमें निकालना था दोनों की आयु, तो हमने निकाला शोभो की आयु आई है 5 वर्ष और शोभो की मां की आयु आई है 30 वर्ष। यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।